अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोलकाता की वेरी फेमस स्ट्रीट फूड आलू चाट। कुछ का तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है। यहाँ की झालमुड़ी भी बहुत ही फेमस है, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रीट फूड कोलकाता में बहुत ही फेमस है वो है आलू काबली चाट। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही चटपटा होता है। तो चलिए इसे देखते हैं बनाते कैसे हैं। और ये कोलकाता में बहुत से अलग अलग नामों से दोस्तों जानी जाती है, जैसे आलू चटपटी, आलू चाट, आलू काबली चाट, आलू मटर चाट, तो ये सब नामों से भी ये जानी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूल। हमने लिया है यहाँ पर चार छोटे आलू, जिसे हमने उबाल लेनी है। दो सीटी में हम इसे उबाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुकर लगा दिया, अब झटपट इसे हम बॉईल कर लेंगे। तो ये हमारी बॉईल हो चुकी है, ये देखिए। तो अब हम इसे निकाल देते हैं। तो अब हम इसका छिलका निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारी आलू जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है। तो आलू जो है हमने छील लिया है, अब हम आलू को इस तरीके से काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने आलू को काट लेनी है। आलू को हमने काट लिया है, अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है दोस्तों, तो आप भी एक बार इस तरीके से आलू मटर चाट ज़रूर बनाइए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक एक करके सब देते जाएंगे। तो ये हमने दे दिया कच्चा चना, यह हमने ओवरनाइट भिगो के रखा था। और इसमें दे देंगे कच्चा मटर, इसे भी हम भिगो के रखे थे। दे देंगे चॉप किया हुआ प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्ची पेस्ट, लाल मिर्ची की पाउडर, मिर्ची आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग दे दें। और इसके साथ हम दे देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, जिसे हमने थोड़ा सा तवा में भून के पीस लेना है। नमक दे देंगे, इमली की खट्टाई दे देंगे, नींबू का रस इस तरीके से हम गार देंगे इसमें। बिल्कुल ठेले जैसा हम बना रहे हैं यहाँ पर। और दे देंगे इसके ऊपर हरा धनिया पत्ता। अब इसे अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। तो ये हमारी तीखी चटपटी आलू काबली जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी चटपटी बनी है। तो अगर आपको भी मेरी तरह चटपटा खाना पसंद है, तो आप भी एक बार घर पे झटपटी से बना लीजिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।